दोस्तों, अगर आपको इंस्टाग्राम पे किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो मैसेज नहीं सेंड हो रहा है, यानी कि आप किसी को भी मैसेज सेंड करते हैं तो आपको मैसेज नहीं सेंड होता है, काटे निशान देखने को मिल जा रहा है। सो दोस्तों, यह प्रॉब्लम क्यों आ रहा है और आप इसे कैसे आसानी से ठीक कर सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। सो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, होता कुछ यूँ है कि आप एक ही टेक्स्ट मैसेज को काफ़ी सारे लोगों को सेंड करते हैं। जैसे कि हम दोस्तों ये एक मैसेज ले लेते हैं कि हेलो भाई, हाउ आर यू। इस मैसेज को हम काफ़ी सारे लोगों को सेंड करते हैं तो इंस्टाग्राम को लगता है कि कुछ आप स्पैम कर रहे हैं, यानी कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, तभी यह प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। सो दोस्तों, यह प्रॉब्लम आ ही गया तो आप इसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद आपको अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे राइट कोने में थ्री लाइन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग में चले आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा हेल्प, उस पर हम एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पे क्लिक करेंगे। एक बार और रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, एक नए पेज ओपन हो जाएगा। उसको सिंपली आपको यहाँ जो भी प्रॉब्लम है उसको हम ब्रीफ में लिखना चाहते हैं, तो हमारा मैसेज नहीं सेंड हो रहा है तो हमने पहले से ही कॉपी कर रखा है, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा मैसेज इज नॉट सेंड, प्लीज़ सॉल्व माई प्रॉब्लम, ये लिख रखा है। तो दोस्तों, इसके बाद हम ये इस प्रॉब्लम का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो सिंपली मैसेज नहीं सेंड कर पा रहे हैं तो मैसेज बॉक्स में जाएंगे। मैसेज में आने के बाद हम यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे कैमरे पे क्लिक करके। क्लिक करने के बाद हम एक बार सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ लिखा थैंक यू, योर फीडबैक हेल्प्स मेक इंस्टाग्राम बेटर फॉर एवरीवन। तो सिंपली हम इसके करने के बाद आप क्लोज पे बटन पे क्लिक कर देंगे तो डेफिनेटली आपका यह प्रॉब्लम 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगा। सो दोस्तों, इसी तरह से आप भी अपने इस प्रॉब्लम को आसानी से ठीक कर सकते हैं। फिलहाल के आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।